कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, आप बच्चे हैं, आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप हिंदू हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप पारसी हैं, आप जैन हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको शौक है पीने का, आपको दूसरी बीमारी है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक घंटा आप इन सब बातों को भूल जाओ कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, जैन हूँ, ईसाई हूँ, बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, मेल हूँ, फीमेल हूँ, मैं मेरे को पीने की आदत है या मेरे को कोई दूसरी बीमारी है। इन सब बातों को भूलकर एक घंटे तक सिर्फ सांसों को देखते रहें, अपने विचारों को देखते रहें, मेडिटेशन जिसे बोलते हैं इसको करते रहें एक घंटे तक। बाकी एक घंटे के बाद ये दुनिया एक नाटक है, आप जो हो आप वही रहेंगे, आप बदलने वाले नहीं हैं। क्योंकि इस नाटक में कोई पागल कुत्ता अगर काटता है तो हमें उसे डंडा उठाना ही पड़ता है, तो वो नाटक हमारा चलता रहेगा जो भी है। लेकिन एक घंटे तक आप अपने स्वर्ग को पहचानें, अपना आप को पहचानें, अपना आप को दें, तो ये आपके अंदर बहुत शांति लाएगा, बहुत खुशी लाएगा, बहुत ही आनंददायक स्थिति में लेकर आएगा ये। और इसी से हम आगे बढ़ते हैं एनलाइटमेंट की ओर। अगर आपका शौक है कि मैं ये भी शांति चाहिए, मुझे भी मजबूती चाहिए माइंड की, क्योंकि जैसे जैसे आप एजिड होते हैं ऐसे ऐसे आप अकेले पड़ते हैं और आप दूसरों का सहारा देखते हैं। दूसरों का सहारा ना देखिए बल्कि दूसरों का सहारा बनिए, इतने मजबूत बन जाइए अपने मन से ताकि दूसरों का सहारा आप बन सकें। दूसरे की तरफ आप ना जाके, आप देने के लिए आएँ, आप सिर्फ अपना आप पहचाने कि मैं इस दुनिया में आया हूँ सबको देने के लिए आया, मुझे सबकी सेवा करनी अपनी करनी है पहले और सबकी करनी है मेरी सेवा को करे ना करे, मुझे सबको प्रेम करना है, अपना आपको पहले प्रेम करूँगा फिर सबको प्रेम करूँगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा मुझे कोई प्रेम कर रहा नहीं कर रहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा मुझे रिगार्ड कर रहा नहीं कर रहा, दूसरा मेरा एंटरटेन मेरा कोई कर रहा नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद एंटरटेन करता हूँ, मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता दूसरा कोई मुझे मोटिवेट कर रहा नहीं कर रहा, मैं अपना आपको मोटिवेट करता हूँ दूसरों को मोटिवेट करता हूँ, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि मुझे कोई क्षमा करे ना करे, मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ और दूसरे को भी मैं क्षमा करता हूँ। और इन सब बातों को आप लेके चलेंगे तो आप धीरे धीरे पुरानी ज़िंदगी से जिससे आप परेशान हैं उससे आप ऊपर उठकर आएंगे और यही आपको एनलाइटमेंट की ओर जाती है। इसी के लिए जो आपके महात्मा महान महात्मा लोग हैं, ओशो है, आपका महात्मा बुद्ध है, इसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि आप एक घंटे का मेडिटेशन कर लें, उसके बाद क्योंकि दुनिया है, ये दुनिया एक नाटक है, ये नाटक में तो आपको रहना है, वो आपको निभाना है। नमस्कार, मैं आचार्य जयस राणा, मैं एक हीलर हूँ, एक काउंसलर हूँ, एक मोटिवेटर और एंटरटेनर हूँ। हमें इन सब बातों को अपनी ज़िंदगी में रखना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी भी है अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से खुशी खुशी जाएं, हम किसी पर बोझ ना बने और बड़े शांति से जाएं। और जब आपके जो विकार सारे ख़त्म हो जाते हैं तो यकीन माने आप इस दुनिया से जल्दी जा पाते, तभी जा पाते हैं आप, वरना जाएंगे तो टाइम पर लेकिन आपको लोगों को तंग करेंगे और आपको खुद बहुत परेशानी महसूस होगी। तो इन सब बातों के लिए एक ही चीज़ है कि एक घंटे के लिए इन सब को भूल जाओ और अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ।
नमस्कार।